वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Isuzu V-Cross। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें इंजन डिस्प्लेसमेंट की तो इसके अंदर आपको मिलता है 1898 सीसी का फोर सिलेंडर इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी मैक्स टॉर्क है 360 Nm। अगर बात करें मैक्स पावर की तो ये गाड़ी की मैक्स पावर है 160.92 BHP। बहुत ही सॉलिड मटेरियल है बॉस, देख सकते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मटेरियल है। अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की तो जो इसका एक्सशोरूम प्राइस है 25.51 लाख के एक्सशोरूम प्राइस वाला मॉडल बेस वेरिएंट का, उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 30.33 लाख रुपीज़। जो टॉप वेरिएंट है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है, उसकी एक्सशोरूम प्राइस है 30.96 लाख रुपीज़, जो कि ऑन रोड कॉस्ट करता है अराउंड 36.75 लाख रुपीज़, जिसके अंदर आपको सेम डीजल इंजन मिलता है। Isuzu इज ओनली अवेलेबल इन डीजल इंजन, पेट्रोल वेरिएंट इज नॉट अवेलेबल। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ इसकी इंजन नॉइज। सो एज आई मेंशनड अर्लियर दैट दिस कार इज हैविंग 1898 सीसी डीजल इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। बहुत ही अमेजिंग टॉर्क है जो कि है 360 Nm। मैक्स पावर है इसकी 160.92 BHP। बहुत ही सॉलिड कार है ये। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का टायर साइज। कॉन्सेंट्रेट ऑन द टायर साइज। गाड़ी के साथ आपको मिलते हैं अलॉय व्हील्स एंड इसके अंदर आपको मिलता है 18 इंची का अलॉय व्हील्स। द टायर साइज इज 285/60 R18। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं इस गाड़ी का तो दैट इज़ अवेलेबल इन टॉप मॉडल एंड दैट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 36.75 लाख रुपीज़ ऑन रोड प्राइस। इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेंथ मिल जाती है। एंड साथ के साथ हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इस गाड़ी के अंदर आपको टच स्क्रीन मिल जाती है एंड साथ के साथ ऑन स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको मिलता है 6 गियर बॉक्स। अगर आप टॉप मॉडल बाय कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दिस वेरियंट। यहाँ पर आपको ए सी कंट्रोल्स मिल रहे हैं अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं, अगर आप फैन की स्पीड, ए सी की स्पीड अप डाउन करना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की ड्राइव एंड ड्राइव के साथ साथ इस गाड़ी के प्रोस कॉन्स के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बताने जा रहा हूँ एंड ऑल्सो वी विल मैंशन अबाउट द माइलेज ऑफ दिस कार। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइव। इस गाड़ी में जो इंजन है वो है 1898 सीसी का फोर सिलेंडर इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रेस अप करते हैं, इसको बूस्ट करते हैं थोड़ा सा। इंटीरियर इस गाड़ी का एवरेज है। अगर कंपेयर करें इस गाड़ी के प्राइस के अकॉर्डिंगली तो दिस कार इज़ नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू द इंटीरियर, दिस इज़ समथिंग एल्स, जिसको हम कहते हैं कि शौक का कोई प्राइस नहीं होता, दिस इज़ फॉर शौक। अगर बात करें इस गाड़ी की माइलेज की तो सबसे पहली बात, ये गाड़ियाँ माइलेज के लिए नहीं जानी जाती हैं, ये गाड़ियाँ जानी जाती हैं बिल्ड क्वालिटी, 5-स्टार रेटिंग जैसी चीज़ों के लिए एंड शौक के लिए। वैसे तो कोई ये वाली गाड़ी माइलेज के लिए नहीं लेता, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द माइलेज। देन ऑन हाईवे यू कैन गेट अराउंड 10-12 km/L ऑन डीजल एंड जो सिटी माइलेज है यू कैन कंसीडर अराउंड 8 km/L, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज है। अगर अकॉर्डिंग टू द साइज बॉडी वेट बात करें, बॉडी वेट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ 2510 kg। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट कार है। अगर हम बात करें इस गाड़ी के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में तो गाड़ी के जो प्रॉज एंड कॉन्स है, अकॉर्डिंग टू मी प्रॉज इज़ द बेस्ट इज़ क्वालिटी, द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। गाड़ी की जो टॉप स्पीड है दैट इज़ 170 km/h। नंबर ऑफ एयरबैग्स यू गेट इज 6। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के कॉन्स की, हर गाड़ी का कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। अगर हम कंपेयर करें कि भाई इस गाड़ी के अंदर मैं 25 से 30 से 35 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कंफर्ट नहीं मिल रहा, देन येस दिस इज़ नॉट एक्चुअली फॉर द कंफर्ट, बिकॉज राइट कंफर्ट इज़ एवरेज। एंड इंटीरियर क्वालिटी अगर आप कंपेयर करोगे बाकी गाड़ियों से तो इंटीरियर क्वालिटी इज़ लो देन यू नो यू आर इन्वेस्टिंग
30 lakh rupees around on a car, then 30 lakhs ke accordingly the quality, the interior quality is average. जो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है सीरियसली अमेजिंग है. लोग भाई मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि हाँ कि ये बंदा क्या गाड़ी लेके जा रहा है. सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है. दिस इज़ बेसिकली अ हेड टर्नर कार फॉर यू. अगर आप सीरियसली 25 से 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू हैव दिस क्रेज टू ड्राइव दिस काइंड ऑफ कार, देन येस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. एंड इंजन इज़ मच बेटर. बट इंजन नॉइस मेरे को इस गाड़ी का कौन ये भी लगा, इस डिसएडवांटेज एक लगा जो कि है रिगार्डिंग द इंजन नॉइस, बट दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स अराउंड 2000 सीसी इंजन, वो भी डीजल इंजन है, पेट्रोल वेरिएंट में ही नहीं आती है. चलिए चलते हैं इस गाड़ी की बैक साइड पर. इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है ये एक्सेसरी जो कि आपको यहाँ से बटन दबाने पर ये ऑन कर देगी. ऑन अ सिंगल बटन क्लिक इट इज़ एक्चुअली ओपनिंग अ वेरी गुड स्पेस. And also there is a light available here. So अगर आप night vision की बात करें, अगर कुछ आप रखना चाहते हैं सामान, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके पास स्पेस मिल जाती है यहाँ पे. And you also have a back camera on this car. जो इस गाड़ी की लेंथ है वो है 5,332 mm. जो विड्थ इस गाड़ी की है वो है 1,880 mm. अगर बात करें इस गाड़ी की हाइट की तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है एंड इसकी हाइट है 1,855 mm. व्हील बेस इस गाड़ी का है 3,095 mm. अगर बात करें इस गाड़ी के वेट की तो जो इस गाड़ी का मेन वेट है दैट इज़ अराउंड 2,510 kg. नंबर ऑफ एयर बैग्स यू गेट इज 6 एंड सेफ्टी रेटिंग इज 5 स्टार. बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस कार इज 55 लीटर, जो कि एक बार में अगर आप टैंक फुल करवाते हैं तो ये गाड़ी अराउंड 600 किलोमीटर्स आप ड्राइव कर सकते हैं. एज आई मेंशनड अर्लियर दैट द माइलेज ऑफ दिस कार इज 10 to 12 km/L. बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है. प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ द मेन एडवांटेज. 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इज द सेकेंड एडवांटेज. बट अगर बात करें कॉन्स की तो येस देयर इज़ अ कॉन, देयर इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस कार दैट वाइब्रेशन ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर. अगर आप 100 से ज़्यादा इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं फील कर रहे जो कि एक नॉर्मल गाड़ी को आप ड्राइव करते हुए फील करते हैं. अगर बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो इस गाड़ी के अंदर आपको सीटिंग कैपेसिटी मिलती है 5, बट अगर बात करें कंफर्ट लेवल की तो वो कंफर्ट लेवल आपको नहीं मिलता है बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली अ फैमिली कार. फैमिली गाड़ियों में जनरली हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट लेवल मिल जाता है, काफ़ी अच्छी सीट्स मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे शोकर्स भी मिल जाते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं मिलेगा. दिस इज़ नॉट एक्चुअली फॉर द फैमिली, दिस इज़ बिल्ट फॉर कमर्शियल यूज़ एंड ऑफ रोडिंग. अगर आपका शौक है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. Isuzu V-Cross is available in 5 variants. जो इसका बेस मॉडल है दैट इज Highlander, जिसके एक्सशोरूम प्राइस है 21.20 lakh रुपीज. जो सेकंड मॉडल है दैट इज Z4x4 विद मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 25.52 lakh रुपीज. जो थर्ड वेरियंट है दैट इज Z4x2 विद मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके अंदर आपको 4x4 की ऑप्शन नहीं मिलती है बट आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसके एक्सशोरूम प्राइस है 25.80 lakh रुपीज. जो फोर्थ मॉडल है दैट इज Z Prestige 4x4 विद मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके एक्सशोरूम प्राइस है 26.92 lakh रुपीज. जो टॉप वेरिएंट है दैट इज Z Prestige विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसके एक्सशोरूम प्राइस है 30.96 lakh रुपीज. एंड ऑन रोड इट इज कॉस्टिंग अराउंड 37.80 lakh रुपीज. बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. आप अपने व्यूज़ इस गाड़ी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू गाड़ी के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.